बचपन से जो भी इनके पास मांगा था इन्होंने मुझे दिया, इसलिए जब भी टाइम मिलता है दौड़े चला आता हूँ इनके पास। हे गाइस, एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज मैं हूँ चकला, बाबा लोकनाथ जी का मंदिर। चकला आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ता है हबड़ा। हबड़ा आने के बाद आपको रिक्शा या बस से भी आ सकते हैं, सबसे बेहतर होगा आप अपनी गाड़ी से आए। चकला आके सबसे पहले हम लोग एक नंबर काउंटर से खरीद लिया कूपन, जो कि भोग का कूपन है। यहाँ पे खिचड़ी 30 रुपये और राजभोग 70 रुपये में मिलता है। अगर आप पूजा की सामग्री खरीदना चाहते हो तो आपको बाहर बहुत सारे दुकान मिल जाएगा। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और ये रहा मंदिर। मंदिर के सामने बहुत बड़ा एक ग्राउंड है और चकला आने का सबसे बेहतर टाइम है जन्माष्टमी के टाइम। सो गाइस, यहाँ पे बाबा लोकनाथ जी का जन्म हुआ था। ये इनका मंदिर है पीछे और यहीं पे इनका मंदिर है और इस जगह का नाम है चकला। और इस मंदिर का ओपनिंग टाइम है सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक। और यहाँ पे भोग भी मिलते हैं आपको। खिचड़ी अगर आप खाना चाहेंगे तो 30 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा राजभोग खाना चाहेंगे तो 70 रुपये देना पड़ता है। और भोग का टाइमिंग है 1:30 बजे से। आपका जब तक लाइन रहेगा तब तक आपको भोग खिलाया जाएगा। लाइन ख़त्म होने के बाद बंद हो जाता है। यहाँ पे पूजा देने का 2 भाग है। अगर आप अंदर जाके पूजा देना चाहते हो तो कुछ पैसा पे करना पड़ता है, जो आपको काउंटर में मिल जाएगा। नहीं तो आपको यहीं से इनकी गले में माला डाल के जाना पड़ता है। तो चलिए आप मंदिर के अंदर जाते, जाके दर्शन करते और आपको भी दर्शन करवाने का कोशिश करते। और ये मंदिर है और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये रहे बाबा लोकनाथ जी। बहुत कोशिश करने के बाद आपको दिखा पा रहा हूँ, तो दर्शन कर लीजिए सब लोग। पूजा होने के बाद सबको बाहर आके अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाना पड़ता है इनके सामने। अब हम आ गए मेले में। मंदिर के पीछे बहुत सारा स्टॉल लगता है, जहाँ से आप बाबा लोकनाथ जी या शिव जी या विष्णु जी, कोई भी भगवान का आप मूर्ति, भगवान का सामग्री खरीद सकते हो। घूमने के बाद मंदिर के सामने बहुत बड़ा जगह है, जहाँ पे आप साइट सीइंग कर सकते हो, फोटो रील्स कुछ भी बना सकते हो। साइट सीइंग के बाद आप चले जाइए भोजनालय, जहाँ पे आपको लाइन से भोजन करने का मौका मिलता है। खिचड़ी के लिए पीछे लाइन लगता है। जहाँ पे आप मेले में घूमते हो वहाँ पे लाइन है। और अगर आप राजभोग लेना चाहते हो तो ये लाइन आपको राजभोग तक लेके जाएगी। राजभोग में मिलता है आपको खिचड़ी, फ्राइड राइस, 2 टाइप ऑफ सब्जी, चटनी, पापड़ और पायस। तो गाइस, मैं अभी प्रसाद खा के आया और प्रसाद बहुत ही अच्छा था। फ्राइड राइस था, खिचड़ी था, 2 टाइप ऑफ सब्जी था, चटनी था, पापड़ था, सब कुछ था। तो खाना भी बहुत अच्छा था। आप यहाँ पे आके सिर्फ 70 रुपये में इतने सारे और इतने टेस्टी खाना, ये उम्मीद से बाहर था, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे आके आपको अल्टीमेटली बहुत अच्छा फील होगा। आप भगवान दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे भोजन कर सकते हैं और यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा के लुत्फ उठा सकते हैं।